नमस्कार साथियों, मेरे आज के इस वीडियो में मैं अपने पूरे शिक्षक परिवार का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के शिक्षण योजना में मैं लेकर आई हूँ कक्षा 8 विषय हिंदी, अवधि 40 मिनट, लर्निंग आउटकम बच्चे काव्य पाठ कर लेते हैं तथा कविताओं को उचित लय ताल से सुना लेते हैं। बच्चे पठित सामग्री समझकर पढ़ लेते हैं, चिंतन करते हैं व बेहतर समझ हेतु प्रश्न करते हैं। प्रकरण क्रमवीर भाग 2, सहायक सामग्री पाठ्यपुस्तक शाम पर चौक दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे कविता के प्रथम भाग से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि बच्चों बाधाओं को देखकर कौन नहीं घबराता है, भाग्य के भरोसे कौन नहीं रहते हैं, कर्मवीर किस चीज़ को व्यर्थ नहीं गवाते हैं। यह बच्चों के लिए एक विचारणीय प्रश्न होगा। इसके पश्चात शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि आज हम कर्मवीर नामक कविता के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। इस कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने कर्म एवं समय के सदुपयोग को संदर्भित किया है, जो कवि - औरों के लिए। शिक्षक लय और ताल के साथ कविता का वाचन करेंगे तथा उसका हिंदी भावार्थ बच्चों को बताएंगे। कवि कहते हैं कि कर्मवीर केवल बातें बनाने में और आज के काम को कल पर टालने में अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ नहीं करते हैं। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। वे तो स्वयं अपने कार्यों से दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। वे किसी भी कार्य से जी नहीं चुराते हैं। इसका दूसरा भाग है व्योम को - रहता है कहीं। शिक्षक लय और ताल के साथ कविता का वाचन करेंगे तथा उसका हिंदी भावार्थ बच्चों को बताएंगे। कवि कहते हैं कि कर्मवीर आकाश को छूते हुए कठिन पर्वत की चोटियों तक पहुंच जाते हैं, जहां हर समय घना अंधकार रहता है, जहां गरजते हुए समुद्र में लहरें उमड़ रही हों और भयंकर आग डरावनी ज्वालाएं फैला रही हों, वे भी कर्मवीरों को भयभीत नहीं कर सकती। वे अपने जीवन में कभी असफल नहीं होते हैं। इसके पश्चात शिक्षक छात्रों से श्यामपट से देखकर कठिन शब्दों के अर्थ लिखने के लिए कहेंगे। श्यामपट का है शब्दार्थ दुर्गम कठिन, नमूना उदाहरण जलराशि समुद्र, भयदायिनी डराने वाली, व्योम आकाश, लवर अग्नि की लपट या ज्वाला। शिक्षण के पश्चात पाठ्य सामग्री की परख के लिए शिक्षक छात्रों से निम्न पंक्तियों का आशय स्पष्ट करने के लिए कहेंगे। रह भरोसे भाग्य के, दुख भोग पछताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। प्रदत्त गृह कार्य दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग लिखिए। शब्द हैं चित्र लताएं जंगल बाधा नदी बात। धन्यवाद दोस्तों।